साड़ी पैठ ते दुकी ते की बोल दिया फर्क नहीं पैंदा। साडे सामने तक इहदा मूंह नहीं खोलदा, इन्ना ही बहुत। हाँ जी दोस्तों, सत श्री अकाल। पंजाबी सिंगर ते पंजाब दीआं दो तीन वड्डीआं अपडेट्स लैके तुहाडे सामने हाजिर होए हाँ। दोस्तों जे सोशल मीडिया ते किसी भी गल दी सब तो वध चर्चा है वह है सिद्धू मूसेवाले दी एल्बम। दोस्तों नित नवा कोई पोस्टर आ रहा है ते दोस्तों जो कल राती सिद्धू मूसेवाले ने पोस्टर पाया इस बारे तुहानूं दो बड़ियां ही अहम गल्लां सी तुहानूं दसना चाहवांगे। पहली गल तां दोस्तों इत्थे इही है कि सिद्धू मूसेवाले दा इत्थे आउणा चाहीदा सी ट्रैक 14, पर दोस्तों सिद्धू मूसेवाले दे इस पोस्टर ते 15वां ट्रैक लिखिआ गिआ है। वैसे दोस्तों सिद्धू मूसेवाले ने अपनी एल्बम का 11वां ट्रैक भी छड़ दिता ते उस तो बाद हुण 14वां ट्रैक भी छड़ दिता। दोस्तों इन्हां विच की हो सकता है यही काफी गल सोशल मीडिया ते चर्चा का विषय है। दोस्तों जदों सिद्धू मूसेवाले की पहली एल्बम आई सी PVX1 उस विच भी कुछ क स्किट कर दिता गया सी, कहण दा मतलब दो गाने उस विचों भी स्किट किए हुए सन जो कि सिद्धू मूसेवाले ने उस तो बाद अनाउंस किए सन। पर दोस्तों सिद्धू मूसेवाले की इस नवी एल्बम के 11वें ते 14वें बारे कुछ भी समझ नहीं आ रही कि दरअसल इत्थे हो की सकता है, गाने वाकई ही स्किट हैं जां सिद्धू मूसेवाला इन्हां नूं रिलीज करेगा। तो दोस्तों होर भी कई गल्लां हो सकदियां ने, शायद इन्हां गाणियां ते थोड़ा मोटा वर्क रहिंदा होवे, जां सिद्धू मूसेवाला कुछ चेंजेस करना चाहुंदा होवे, जां कोई होर भी रीजन हो सकदा है। तो दोस्तों पहली गल तां इही सी कि 14वां ट्रैक का ऐलान नहीं होया, सिद्धू मूसेवाले ने 15वें ट्रैक का ऐलान किया है। तो दोस्तों दूसरी अहम गल, इस गाने का नाम है मी एंड माई गर्लफ्रेंड। तो दोस्तों हुण बहुत सारे लोगों के दिमाग में तो यही क्वेश्चन आया होना कि शायद सिद्धू मूसेवाला अपनी इत्थे सहेली की गल कर रहा है, अपनी गर्लफ्रेंड की गल कर रहा है, कहने का मतलब किसी कुड़ी की गल कर रहा है। मतलब दोस्तों इस पोस्ट विच किसी नूं टैग भी नहीं किया गया ते ना ही सिद्धू मूसेवाले नाल कोई एक्ट्रेस दिखाई दित्ती। पर दोस्तों हुण तुहानूं जो इस नाल जुड़ी गल सोशल मीडिया ते चर्चा दा विषय है उस बारे तुहानूं दस दईए कि टूपाक शुकर, जिसका कि सिद्धू मूसेवाला बहुत वड्डा फैन है, उस दीआं विचारधारावां नूं बहुत फॉलो करता है, कहण दा मतलब उन्हां तों बहुत ज्यादा प्रभावित है। तो दोस्तों टूपाक दा गाना आया सी मी एंड माई गर्लफ्रेंड। तो दोस्तों गाने दे नाम सेम ने सिद्धू मूसेवाला ते टूपाक शुकर जी दे। तो दोस्तों मेन गल इह है कि टूपाक शुकर जी ने उस गाने विच किसी लड़की का जिक्र नहीं सी कीता, बल्कि अपनी गन का जिक्र कीता सी, मी एंड माई गर्लफ्रेंड। कहने का मतलब दोस्तों टूपाक शुकर जी ने अपनी गन नूं अपनी गर्लफ्रेंड दस्या सी ते उस ते रैप पूरा कीता सी। ते दोस्तों हुण सिद्धू मूसेवाले ने ना तो कोई अपनी गन फड़ी है इस पोस्टर विच, ना ही कोई एक्ट्रेस है ते ना ही किसी नूं टैग कीता है, सिर्फ यही दस्या है कि इस विच किड दा म्यूजिक है। ते दोस्तों जिस करके ही सोशल मीडिया ते इह गल चर्चा का विषय है कि आखिर सिद्धू मूसेवाले ने इत्थे किस दा जिक्र कीता होवेगा। पर दोस्तों हुण आपां पिछले समय वाले ही झाती मार लिए, जिन्हें भी गाने सिद्धू मूसेवाले ने रिलीज किए ने ज्यादातर गाने वो अणखां ते ही गाउंदा है, कहने का मतलब दोस्तों गाने विच हथियारां दा जिक्र भी हुंदा ही है। तो इत्थे भी यही लग रहा है कि मी एंड माई गर्लफ्रेंड गाने विच सिद्धू मूसेवाले ने अपनी गन नूं ही गर्लफ्रेंड कहा गया है। बाकी दोस्तों उदों ही पता लगेगा जदों सिद्धू मूसेवाले का यह गाना रिलीज हो गया। तो दोस्तों सिद्धू मूसेवाले की एल्बम का आप जिक्र होर करांगे, पर उस तो पहले सिद्धू मूसेवाले के दोस्त प्रेम ढिल्लों, अमृत मान, गुलाब सिद्धू ते एक दो होर नां दा जिक्र कर लिए। पहला दोस्तों तुहानूं प्रेम ढिल्लों ते अमृत मान बारे दस दिए, इन्हां दोनों इकट्ठिया का गाना जो सिद्धू मूसेवाले के चैनल से आना है, कल राती उसका टीजर आया। तो दोस्तों जिसनों की फैना ने बहुत ज्यादा पसंद किया, तो दोस्तों जो गाना प्रेम ढिल्लों ने गाया है उसका तुम एक पैरा कितना कितना जरूर ही सुन लिया होगा। प्रेम ढिल्लों ने इसनों अपने लाइव शो में भी गाया सी ते इसनों अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से भी अपलोड किया सी। कहने का मतलब दोस्तों उस गाने नूं बहुत ज्यादा प्यार दिता सी, जिस करके ही प्रेम ढिल्लों हुण उसनों पूरा विद ऑफिशियल वीडियो रिलीज करने वाला है। तो दोस्तों तुम भी हुण इत्थे इह ना समझो कि प्रेम ढिल्लों का पहला वाला गाना ही पूरा है, इदा नहीं है। उस विच प्रेम ढिल्लों के दो होर पैरे ऐड हुए हैं ते अमृत मान की फीचरिंग ते उसका भी इस विच पैरा है। सो बाकी दोस्तों अमृत मान के प्रेम ढिल्लों दे इस गाने विच विरोधियों नूं जवाब दसे जा रहे हैं, इस दे टीजर हेठ भी काफी कमेंट आ रहे सन कि हुण तां विरोधियों की खैर नहीं। बाकी दोस्तों सिद्धू मूसेवाले की इस गाने नूं फुल सपोर्ट है, सिद्धू मूसेवाले के ऑफिशियल चैनल से आ रहा है ते हुण तां पक्के तौर पर कन्फर्म गल है कि यह गाना हिट रहेगा ही रहेगा। बाकी दोस्तों प्रेम ढिल्लों ते अमृत मान ने तां स्पैशल धन्नवाद किया है सिद्धू मूसेवाले का। तो दोस्तों इस टीजर ने थोड़े टाइम विच ही काफी चंगे व्यूज हासिल कर ले हैं ते गाना भी बहुत जल्द ही आ रहा है। ते दोस्तों दूजे पासे सिद्धू मूसेवाले दा दोस्त गुलाब सिद्धू, उसने भी एक पोस्ट पाई जदों सिद्धू मूसेवाले ने मी एंड माई गर्लफ्रेंड वाला पोस्टर पाया। पहला तां गुलाब सिद्धू ने उस पोस्टर नूं शेयर किया ते उस तों बाद फ्लेम वाले इमोजी वरते। कहण दा मतलब दोस्तों गुलाब सिद्धू सिद्धू मूसेवाले दे इस गाने नूं भी पूरा सिरा ही दस रहा है। बाकी दोस्तों गुलाब सिद्धू मूसेवाले दे हरेक गाने नूं अपनी इंस्टाग्राम, स्नैपचैट ते होरनां सोशल मीडिया अकाउंट ते शेयर करदा ही रहिंदा है। ते हाल ही दोस्तों सिद्धू मूसेवाले नूं भी
मिलिया सी। ते दोस्तों तुहानू ए भी दस दिए कि सिद्धू मूसेवाला गुलाब सिद्धू का एक होर गाना बहुत जल्द ही आ रहा है। ते जिस बारे जानकारी दिती है गुलाब सिद्धू ते उसके दोस्त जौंटी ढिल्लों ने। ते दोस्तों जदों सिद्धू मूसेवाला की एल्बम की चर्चा हुंदी है तो जस जस नाल भी सिद्धू मूसेवाला की कलैब है, इस बारे भी काफी गल्लां सोशल मीडिया से फैल रही ने। दोस्तों कुछ गाने सिद्धू मूसेवाला ने एक साल पहला ही कर ले सन, जिवें कि सारा गुरपाल नाल जो गाना आना है सिद्धू मूसेवाला दा, वह भी सिद्धू मूसेवाला की एल्बम हेठ रिलीज़ होगा, अजिही जानकारी मिली है। दोस्तों सिद्धू मूसेवाला ते सारा गुरपाल की शूटिंग टाइम दी वीडियो तो तुसीं बहुत टाइम पहला ही देख लिया सन। ते जदों सारा गुरपाल नूं लाइव विच इह गल पुछी गई कि तुहाडा जो सिद्धू मूसेवाला नाल गाना शूट हो गया है वह कदों रिलीज़ होगा, तो उसने यह जवाब दिता सी कि इस बारे मैनूं तां कुछ भी नहीं पता, सिद्धू मूसेवाला ही जानता है कि वह गाने अपने कदों रिलीज़ करेगा। ते दोस्तों हुण इह गल सामने आई है कि सिद्धू मूसेवाला ते सारा गुरपाल वाला वह गाना सिद्धू मूसेवाला की एल्बम हेठ रिलीज़ होगा। वैसे दोस्तों सिद्धू मूसेवाला ने सोनू वाजवाजी नाल भी अपनी कलैब शो कर दी है, एक गाना सिद्धू मूसेवाला का सोनू वाजवाजी नाल भी आ रहा है। ते दोस्तों एक दस्या जा रहा है जैसमीन सैंडल्स नाल, जो कि एक साल पहला ही रिकॉर्ड हो गया सी, दोनों की स्टूडियो टाइम की क्लिप भी सामने आई सी। ते दोस्तों हुण वह गाना सिद्धू मूसेवाला की एल्बम विच है या नहीं यह गल भी देखने वाली होगी। ते दोस्तों हुण गल इत्थे ही नहीं रुकती कि सिद्धू मूसेवाला एल्बम रिलीज़ कर रहा है, पर दोस्तों इसे दे नाल नाल सिद्धू मूसेवाला होर प्रोजेक्ट भी तैयार कर रहा है, जिसकी कि शूटिंग टाइम की एक फोटो भी सोशल मीडिया से काफ़ी वायरल हो रही है। सो कहने का मतलब दोस्तों सिद्धू मूसेवाला अगे की अगे अपने फैनों लिए होर सरप्राइज तैयार कर रहा है। तो दोस्तों तुम इतों तक देख लो कि हॉलीवुड के वे वे सैलीब्रिटी सिद्धू मूसेवाला की एल्बम की उड़ीक कर रहे हैं, तो लिली सिंह, मीक मिल ते होरना भी कई हॉलीवुड के सितारिया ने सिद्धू मूसेवाला की एल्बम या उसके पोस्टर आ रहे हैं, उन्होंने हेठ कमेंट आ रहे हैं। कहने का मतलब दोस्तों जो हॉलीवुड में सिद्धू मूसेवाले सुनते हैं उन्होंने भी वेट है कि सिद्धू मूसेवाला की यह एल्बम कदों आए। तो दोस्तों तुम्हें यह भी दस दी है कि 6 अप्रैल को काफ़ी हद तक कहा जा सकता है कि सिद्धू मूसेवाला अपनी यह एल्बम रिलीज़ कर देवे। तो दोस्तों यह कहना काफ़ी मुश्किल होगा कि सिद्धू मूसेवाला अपनी यह एल्बम एक बार ही रिलीज़ कर देगा, कहने का मतलब सारे के सारे 25 के 25 ट्रैक एक बार ही रिलीज़ करेगा, या कुछ एक टाइम पा के कला कला गाना सिद्धू मूसेवाला रिलीज़ करेगा। दोस्तों इस बारे कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है, पर दोस्तों हाँ इन्नी की जानकारी जरूर सामने आई है। तो यह गल सिद्धू मूसेवाला ने खुद ही कही है कि 6 अप्रैल को सिद्धू मूसेवाला की एल्बम आ रही है। कहने का मतलब दोस्तों उदों तक सिद्धू मूसेवाला जो पोस्टर पा रहा है वह भी खत्म हो जाएंगे, पर दोस्तों हुण तां मेन गल बस देखने वाली यही है कि सिद्धू मूसेवाला अपनी एल्बम का पहला गाना रिलीज़ करेगा या पूरी की पूरी एल्बम रिलीज़ करेगा। तो दोस्तों अखीर से असं 2 अहम गलों का जिक्र जरूर करना चाहवागे, सिद्धू मूसेवाला के जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं उन्होंने बारे, तो जो सिद्धू मूसेवाला की एल्बम है इस नाल जोर कार्ड बन सकते हैं, टुट सकते हैं या कैम हो सकते हैं, उन्होंने जिक्र असं थोड़ा जिहा जरूर करना चाहवागे। तो दोस्तों पहली गल यह है कि सिद्धू मूसेवाला के इस साल बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट आ रहे हैं, इसी साल ही सिद्धू मूसेवाला के 25 ट्रैक पक्के तौर पर कन्फर्म ने कि रिलीज़ हो जाएंगे, कि पता 6 अप्रैल को ही सारे के सारे ट्रैक रिलीज़ हो जाए। तो दोस्तों इस तों अलावा सिद्धू मूसेवाला दी 2 अहम फिल्म यस आई एम स्टूडेंट फिल्म तो दोस्तों पिछले साल ही रिलीज़ हो जानी सी, पर जो पंजाब का माहौल से उसके करके रिलीज़ नहीं सी कीती, पर दोस्तों इस साल यह रिलीज़ हो ही जाएगी। 13 अप्रैल को इसकी पहली झलक आ रही है। तो इस तों बाद दोस्तों मूसा जट, उसके भी शूट बारे यह गल सामने आई है कि मूसा जट फिल्म की शूटिंग पूरी हो गई है, तो 9 महीने में आ सकती है। तो दोस्तों सिद्धू मूसेवाला की एल्बम के जो रिकॉर्ड ने इस बारे भी सोशल मीडिया से यह गल चल रही है कि स्पॉटीफाई जिस से 1 मिलियन का रिकॉर्ड है, तो होर भी कई एप्पल म्यूजिक या होर भी जिन्हें भी प्लेटफॉर्म्स ने वे वे जिन्हें कि गाने सुनने लिए पैसे देने पैंते हैं, उन्होंने सिद्धू मूसेवाला की यह एल्बम रिकॉर्ड तोड़ सकती है। तो दोस्तों असं यह गल तो खुद ही कह दें कि स्पॉटीफाई से 1 मिलियन का रिकॉर्ड टुट जाएगा जे सिद्धू मूसेवाला 6 अप्रैल को अपनी सारी की सारी एल्बम के गाने एक बार ही रिलीज़ कर देगा। बाकी दोस्तों सिद्धू मूसेवाला के मूड से डिपेंड है कि वह करता की है, पर दोस्तों फैनों में हले भी बहुत ज़्यादा सस्पेंस है, 15 गाने ऐलान हो चुके हैं, तो जो बाकी हले दस रहिंदे हैं कि उन्होंने कि ना किन कलैब होगी, तो जो सिद्धू मूसेवाला ने 2 गाने स्किट किए हैं आखिर उन्होंने होर है कि। तो दोस्तों जो तुम भी अपनी कोई वीडियो या न्यूज़ साढ़े नाल शेयर करना चाहते हो तो साढ़े इंस्टाग्राम अकाउंट पर भेज सकते हो, तो ही साढ़े चैनल में सबसक्राइब करके सपोर्ट जरूर करो। धन्यवाद।